जम्मू कश्मीर में हुए हमलों पर डीजीपी का सख्त बयान, कहा दहशत गर्दों को देंगे मुंहतोड़ जवाब। एक क्लियर इंटेंट जो एडवर्सरी की, एनिमी की है, कि अगर किसी तरीके से यहाँ के लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भड़का नहीं सकते हैं, यहाँ पे दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं, कश्मीर में नहीं कर सकते हैं, तो एक इंटेंट जो है एनिमी की वो ये है कि अपने ही वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। अब बहुत लंबी टेरान है हमारा, डिफिकल्ट टेरान है, जंगल है, खाड़ी है, पहाड़ है, नाला है, तो इसको मद्देनज़र इसको इस्तेमाल करके इसमें फॉरेन फाइटर्स, फॉरेन टेररिस्ट्स को अंदर डाल के इसको, खासकर जामुद जगह को अस्त व्यस्त करने के लिए और एक पक्का माहौल पैदा करने के लिए एक कोशिश जरूर एनिमी की है, ये एक सच्चाई है। सर, अब अगर आप ये पूछते हैं कि ये जो एफर्ट है, ये जो इनकी पुश है, ये जो इनकी धक्का है, ये धक्के के सामने हमारा रिस्पांस जो है, हम अपना रिस्पांस बना रहे हैं और उसको हम नुकसान अगर छोटी बहुत उठानी पड़ेगी, जब एक जंग हम पर लाद दिया जाता है, टेररिस्ट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं बंदूक लेकर मरने के लिए और मारने के लिए, तो हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं, हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वो खुद ज़्यादा तादाद में नहीं है, पर यह है कि वो कानून के बाहर है और उनका कोई आगे पीछे नहीं है, इसलिए उनकी नुकसान करने की क्षमता ज़रूरत से ज़्यादा दिखती है। अब ये गिन गिन के एक एक करके इनको बाउल वाइज, हमने 1995 से लेकर 2005 के बीच में जब इन लोगों ने 10 साल तक जम्मू की रीजन को, पूंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन को उथल पुथल करने की कोशिश करी, पर लोगों ने डटे रहे और फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री, उन्होंने अपनी एजेंसीज, अपनी पूरी ताकत भिड़ा दी और इनको नाश्तोनाबूद करने में कामयाब हुए। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़ निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे, चुन चुन कर, एक एक कर, हम ज़्यादा तो तादाद नहीं हैं, हम इनको मार गिराएंगे और हर एक की लाइफ स्पान जो है अंदर घुसने के बाद उसको छोटे से छोटे कर देंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। सर, हाँ, यहाँ बीच में जैसे मैंने कहीं और भी कहा था कि एनिमी एजेंट्स पैसों के लिए बिकते हैं, नारकोटिक्स के लिए बिकते हैं और वो उनके मदद करने में बीच बीच में ज़रूर हैं और उनका निशानदेही हुई है और आगे होगा। और ख़ासकर उन लोगों को हम खबरदार कर रहे हैं कि वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है, उनके बाल बच्चों को छोड़ के वो है भी कि नहीं हमें पता नहीं है, जेलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पछताएंगे।